कबूला सब जनी साची दरबार की जय। अरे दादी दादी, अरे काबल टिंग टिंग। अरे दादी, नवरात्र 9 दिन काहे मनावल जाला? तू ए भी ना बिटिया कि 9 दुर्गा जो है ना, 9 रूप का प्रतीक है यही भी ना। अरे कौन कौन रूप का प्रतीक है दादी? नवरात्र के पहले दिन हम लोग सैल माता की पूजा करेला, ये दुर्गा माता का पहला स्वरूप है। पर्वतराज हिमालय के घरे जन्म लेवे के कारण ही उनके सैल पुत्री कहने। इनकर ये स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मा बल के दर्शावला। इनकर पूजा करे से ना चंद्रमा संबंधी यदि कोई दोष हो तो दूर भी हो जाला। अच्छा दादी, तो दूसरा स्वरूप कौन हो इनकर? दुर्गा माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता है। ये ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली त्याग की प्रतिमूर्ति है। जी इनकर पूजा करेंगे ना वो मनुष्य में तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि बोला। और यदि तुम्हारे उम्मन कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोनो भी दोष हो तो सभी दोषों के दूर भी करेला। और तीसरा दादी बतावती बतावती कुल बताए तने सब्र तो करा। दुर्गा माता का ना तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा माता है। उनके माथे पे ना घंटे के आकार का चंद्र शोभित है और यही इनके नाम का आधार है। एकाग्रता का प्रतीक है। जो लोग अपने क्रोध पे काबू ना पावे ने उनके एक पूजा करे के चाहे उसे दोष दूर हो जाना और ये आरोग्य का वरदान भी देने। दुर्गा माता का चौथा स्वरूप ना कुष्मांडा माता है। कुष्मांडा माता का माना जाला कि इनकर मंद और हल्की मुस्कान से ही ब्रह्मांड को उत्पत्ति भलो, जिकरे कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ल हो। इना नवीनता का प्रतीक है। इनके अंदर ना सृजन की शक्ति बाटे। जो लोग अपन लौकिक परलौकिक वृद्धि चाहने वो लोग इनकर पूजा जरूर करेने। और इनकर पांचवा स्वरूप ना स्कंद माता है। स्कंद का मतलब कार्तिकेय यानी कार्तिकेय की माता। इनकर ये स्वरूप ना चित्त में शीतलता और दया भरे वाला हो। अच्छा जीजी, और इनकर छठा रूप? अरे बतावत है ना, अब बच्चन की तरह तो हम लोग उतावली हो गई। फिर छठा स्वरूप कात्यायनी का हो, जिसे कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही कात्यायनी माता कहलाई। इना कर्मठता का प्रतीक है। और तो और ये भी दर्शावन की नारी जाति में त्याग, संयम, दया की भावना के साथ साथ एक वीरंगना भी रहेला। हाँ जीजी, जैसे हमारा ललका। अरे तू लोगन तो कुछ बोलत रह लो। अरे जीजी तू आगे बतावा, इनका सातवें रूप के बारे में भी बतावा, हम लोग तो जानी। सातवां स्वरूप ना न दुर्गा माता का कालरात्रि माँ है। इन दुष्टन का संहार करेनी। और तो और कुलग्रह बाधाओं के दूर करेनी। इन यंत्र तंत्र मंत्र की देवी कही जानी। इनका स्वरूप भले ही भयानक हो लेकिन ये बहुत ही शुभकारी मानी जानी, यही बिना इनके शुभांकरी भी कहल जाला। अच्छा जीजी, लेकिन तो के इतना कैसे सबके बारे में पता बाटे? अरे रुका बना कि हमारे दादी बचपन में हमके ये सब सुनावत रही, यही भी ना। अच्छा जैसे दादी तू हम लोगों के सुनावत बाटू? हाँ बच्चन, इनकर आठवां स्वरूप ना महागौरी का बा। इनके ना शिवप्रिया भी कहने, कहे कि इनके ना शिव भगवान बहुत माने ने और इन शिव भगवान के साथ ही कैलाश पर्वत पे विराजमान भी रहने। इनकर पूजा करे से ना मनुष्य के सारे पाप धुल जाने। इनकर आखिरी स्वरूप बाटे सिद्धिदात्री यानी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली। इनकर पूजा करे से ना भक्तन का सभी मनोकामना पूर्ण हो जाला। मान जी के भी ना इन्हीं की कृपा से 8 सिद्धियाँ और 9 विधियों का वरदान प्राप्त रहल। अच्छा तो बोलो जब माँ सेरा वाली की जय, माँ मेहरा वाली की जय। अरे दादी दादी, एक बात तो और बतावा। अब तो के का भल चिंकी? दादी दुर्गा माता की उत्पत्ति ऐसे ही भल रही का? अरे चिंकिया, ओकरे पीछे भी एक कहानी बा। अच्छा दादी, तो हमके ना वो कहानी सुनाए के बा? हाँ दादी, हम आऊंगे सुनाए के बा। अरे कोनो और दिन सुनाई दे, अब बहुत देर हो गई बा, चला चलल जाए। नहीं नहीं दादी, हम आऊंगे सुनाए के बाटे। हाँ दादी सुनाओ ना। अरे जिज्जी जब लेके इतना जिद करे थे तो सुना ही दे तुमने, तई दे रहा और सही। अच्छा तो सुनो जा, महिषासुर नाम का ना एक बहुत बड़ा राक्षस रहल। वो आधा मानव और आधा भैंस रहल। एक बार ना वो ब्रह्मा जी का खूब घोर तपस्या करेला।
जैसे प्रसन्न होकर ना ब्रह्मा जी उसे वरदान मांगने के लिए कहने, तो ब्रह्मा जी से कहला क्योंकि कोई पुरुष या कोई भी देवता मार ना सके, तो ब्रह्मा जी ओके वरदान दे देने। ओकरे बाद तो फिर पूछा ना, वो पृथ्वी पे स्वर्ग में हर जगह एकदम आतंक फैला दिए, सबके मारे लगल, इंद्र का स्वर्ग लोग भी छीन लिए, उनसे एकदम हर तरफ विनाश ही विनाश करत रहल, जेकरे वजह से ना सब लोग एकदम परेशान हो गए रहन। तो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी तीनों लोग इकट्ठा हुए और फिर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश निकालें। वो प्रकाश से ही दुर्गा की उत्पत्ति भई। जब दुर्गा माता की उत्पत्ति होत रही तो वही समय सारे देवता भी वहाँ पे आई गए और उनके 10 हाथ दिए भगवान लोग, और 10ों हाथ में सारे देवता एक एक थे अस्त्र शस्त्र भी दिए, जैसे विष्णु भगवान उनके सुदर्शन चक्र दिए, इंद्र अपन वज्र दिए, इंद्र का जो हाथी रावत रालू घंटी दिए, इस तरह से सब लोग मिलकर उनके एक एक थे अस्त्र दिए। उसके बाद ही सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के दुर्गा माता चली महिषासुर का संहार करे, और 10 दिनों तक वो महिषासुर से लड़त रही, 10वें दिन जा करके ओकर गला काट दिन, जिकरे कारण हम लोग 9 दिन तक दुर्गा जी का पूजा करीला और 10वें दिन दशमी मनाईला। यही दिन रामचंद्र भी ना रावण के मारे रहें, यही दिन रावणों के जलावल जाला। समझू कि ना तू लोगन? हाँ दादी समझ गई, आज तो बहुत मजा आए। हाँ जिज्जी, तो यही बात पे एक और भजन करके चला अपने अपने घरे चल जाए। आए जगदम्बे कहाँ जाए, बोल मेरी मैया क्या कहाँ जाए, अम्बे कहाँ जाए, जगदम्बे कहाँ जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहाँ जाए। मैंने सोने का टीका बनवाया, मेरी माँ को पसंद नहीं आया, मैंने सोने का टीका बनवाया, मेरी माँ को पसंद नहीं आया, उन्हें फूलों का, हाँ उन्हें फूलों का टीका पसंद आया। अम्बे कहाँ जाए, जगदम्बे कहाँ जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहाँ जाए, बोल मेरी मैया तुझे क्या कहाँ जाए।